तो फर्स्ट का जो होगा क्या चीज, व्हाट इज हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बेस एसआई यूनिट आर देयर, तो इसका आंसर होना चाहिए सी। अभी तक 7 एसआई यूनिट है हमारे पास जिसे हम लोग मेजर करते हैं, 7 एसआई यूनिट है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, फर्स्ट का सी। दूसरा का निकालने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, एक डे में इतना सेकेंड होता है तो एक साल के लिए हमको निकालना पड़ेगा टाइम। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एक साल का टाइम निकाल रहे थे, इतना सेकेंड आया। तो इसी को अगर हम क्या करेंगे, हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, टाइम इनटू स्पीड। अब किसका, लाइट की स्पीड से चल रहा है तो लाइट का निकालेंगे हम लोग। तो स्पीड टाइम कितना है मेरे पास, टाइम है इतना सेकेंड, टाइम को हमेशा सेकेंड में ही पुट करना है। 36 इंटू स्पीड है मेरे पास 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गया। अब क्या करेंगे, जब जैसे ही इसको गुना करेंगे तो आएगा 9 वैल्यू होगी, फिर निकाल कर बैठे हम लोग कितना आएगा, 946 अप्रोक्स ऐसा ही कुछ आएगा रिजल्ट। कैलकुलेटर का आगे मेरा 9460800 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड भी दिया है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जीरो इस तरह हटाना है, तो लिखेंगे 9.46×10⁷ आ गया। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हम क्या किए, डायरेक्ट यहाँ पे 7 पुट कर दिए, क्योंकि हम 7 अंक को इधर से हटा रहे हैं। 10⁸, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो चुका है, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो चुका है इसमें, इसलिए हमारे पास इतना वैल्यू आ गया मीटर पर सेकंड। अब क्या करेंगे, मीटर सेकंड से तो ख़त्म हो गया ना, अब क्या बचा इतना, 9.46×10⁷ जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 15 मीटर, इतना हमारे है आंसर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी तो हम इसको मिटा देते हैं। अब हम आते हैं तीसरा सवाल, व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ जी, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर होता है। तो हम लोग को यहाँ पे निकालना है किसका, जी का डायमेंशन फार्मूला। तो यहाँ पे लिखेंगे जी इक्वल्स टू, इसको यहाँ भेज देना है एफ के आर के बगल में, तो क्या हो जाएगा, के एफ आर स्क्वायर बटा एम वन एम टू। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग फटाफट एक्सपेंड कर देंगे, फोर्स को क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू आर स्क्वायर अपन एम इंटू एम। तो यहाँ पर जब डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं तो मास तो कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट से कॉन्स्टेंट गया मेरा, ऊपर में बचा क्या चीज़ मेरे पास, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड हो गया, इंटू आर क्या है, डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, वही सेम वही रहेगा अभी, तो आर स्क्वायर लिख देते हैं। नीचे बचा है मेरे पास सिर्फ मास, ये तो भूल जाता है लेखन की। अब क्या करना है, ऊपर मीटर, मीटर को हमेशा क्या में दिखाएंगे, एल में, सेकेंड स्क्वायर होगा क्योंकि एक्सेलरेशन है, बटा टी का स्क्वायर इनटू यहाँ पे रेडियस होता है ना, रेडियस का हमें दिखाते हैं लेंथ, हमेशा किसी भी चीज़ को डिस्टेंस को क्या लेंथ नापते हैं, इसका हो गया एल स्क्वायर अपॉन, नीचे है मास, मास को लिखा जाता है क्या में, कैपिटल एम में। तो इसको अगर लिखा जाता है क्या बचा मेरे पास, एम के पावर -1, टी के पावर -2, एल के पावर 3, क्या हो गया मेरा डायमेंशन फार्मूला, फटाफट लिखिए, हो गया सभी सब सॉल्व करने वाला, आज 10 ही सवाल बता पाएंगे, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं जल्दी से, आप लोग इसको लिख दीजिएगा, ये क्या है, जी का डायमेंशन फार्मूला, ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। अब क्वेश्चन नंबर कितना, हम लोग इसका कितना मार देंगे, तो जब वहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कौन सा आंसर आया, टी -2 एल 3 ऑप्शन सी, इसका कौन आया था, डी हो गया तीसरा। अब आते हैं चौथा नंबर पे, चौथा नंबर क्या बोला है, ए पर्सन ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन मूव विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी,
v1 for some time and with uniform velocity v2 for the next equal time. यही बात है, ध्यान देना है कि जैसे कि v1 स्पीड से t टाइम के लिए गया इतना दूरी, फिर बोल रहा है कि यहाँ से फिर से t टाइम के लिए v2 स्पीड से गया, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है d1, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है d2। तो टोटल डिस्टेंस अगर इसका दिखा जाए, टोटल डिस्टेंस d1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, d1 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, v1 इंटू टी। वैसे d2 निकालने के लिए, ये वाला d2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, d2 करने के लिए v2 इंटू सेम टाइम लगाया t2। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया मेरे पास, v1 t प्लस v2 t, हो गया टोटल डिस्टेंस है, ध्यान दे ही बात रखना, टोटल डिस्टेंस है। टोटल टाइम कितना है मेरे पास, टोटल टाइम लगा है t प्लस t इक्वल्स टू 2t। अब हमको निकालना है क्या चीज़, एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है क्या चीज़, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी पूछा है। तो वेलोसिटी लिखा v1 t प्लस v2 t अपॉन 2t। v1 प्लस v2 t कॉमन हो गया, t निकाल दिया बाहर, 2t है, 2t से t गया, तो सीधा हम लोग क्या बचा, v1 प्लस v2 बाई 2। ये क्या हो गया, वेलोसिटी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी खत्म। कौन सा आंसर आ गया बताइए, वेलोसिटी बी ऑप्शन मैच किया, फटाफट लिखिए, फटाफट एकदम फटाफट लिखिए बच्चों। चौथा कदम बी है, सही है। चलिए हम लोग पांचवा नंबर सवाल पाते हैं, फटाफट लिखिए इसको, पांचवा नंबर से सारा सवाल थोड़ा लॉन्ग है लेकिन कोई बात नहीं, आसान है, कोई समझ गया तो फटाफट बना सकता है। चलिए पाते हैं पांचवा नंबर पे क्या है, एट द टॉप ऑफ द ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल द एक्सेलरेशन इज, मतलब कि कोई भी हम अगर ऑब्जेक्ट ऐसे फेंके हैं ऊपर, तो ऐसे ऊपर गया वापस आया होगा, पूछ रहा है कि इस हाईएस्ट पॉइंट पे इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एक्सेलरेशन चाहे यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे, हमेशा कितना लगेगा जी, यहाँ भी रहेगा तभी कितना लगेगा जी, यहाँ रहेगा तभी कितना लगेगा जी, क्या रहेगा जी, आंसर खत्म। द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग, इसका याद क्या रखना है, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर कोई भी जा रहा है तो क्या बोलता है इसको, ऐसे मान लेते हैं कि कोई वेलोसिटी फेंके ऐसे, ये हमेशा क्या रहेगा, द एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग रहेगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका क्या है, इसके एक्सिस के हमेशा अलोंग रहेगा, वेलोसिटी वेक्टर ऑप्शन इसका हो गया डी। सिक्स नंबर का हो गया डी, द ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, द प्रोजेक्टाइल का हमेशा याद रखना है पैराबोला होता है, ये जो शेप देखते हैं जैसे पत्थर फेंक दिए यहाँ से ऐसे, यह हमेशा क्या बनेगा पैराबोला, जिसका जो कर्व का नाम है पैराबोला, पैराबोला। ठीक है आगे बढ़ते हैं, सब याद रखना है तो ट्वेल्थ में है फटाफट। द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स, क्या बोला है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर विच कैन गिव जीरो रिजल्टेंट, द मैक्सिमम बोला है, मिनिमम कम से कम कितना होना चाहिए, तो कम से कम 3 अनइक्वल वेक्टर को अगर हम ऐसे ऐसे जोड़ दिया जाए ऐसे तो क्या होगा, 0। अगर हम 2 को जोड़ेंगे ना तो कभी 0 होगा ही नहीं, 5 रहेगा ही 10, कहाँ से हो पाएगा 0, नहीं हो पाएगा, इसको लगेंगे 5 10, अच्छा ऐसा ऑर्डर में रख देंगे तो क्या होगा, तीनों मिल के आपस में 0 बना देगा। ठीक है तो मिनिमम कितना 3, कुछ नहीं करना है 3 मार देना है। अब नाइन्थ का क्या है, द फैक्ट्स
फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट ए रेस्ट, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट रेस्ट इन अ प्लेन, मतलब कि फ्रिक्शनल फोर्स पूछा है एट रेस्ट, कोई बॉडी है रेस्ट पे प्लेन पे रखा हुआ है, कितना होगा फ्रिक्शनल फोर्स किसी भी प्लेन पे रखा हुआ है तो कितना होगा बताइए, बहुत ही आसान सवाल है। अरे भाई जब इस पे फोर्स ही किधर से नहीं लग रहा है तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स कहाँ से आएगा बताओ, फ्रिक्शन फोर्स कितना है जीरो, फोर्स जब जीरो है इस पे कोई ऊपर से लगा रहा है, ऊपर से लगाएगा तो खाली जी लग रहा है, तो जी का ऊपर से देगा नॉर्मल, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर कितना है जीरो है, कोई मतलब नहीं है जीरो, खत्म हुआ 10वां, ख़त्म करते हैं आज का लास्ट सवाल है हम लोग का, बाकी कल बनाएंगे उसको, फोर्स ही नहीं लग रहा तो फ्रिक्शन कहाँ से आएगा फिर। अब देखिए सवाल थोड़ा सा अच्छा है, क्या है कि 4 kg और 5 kg, ये है 4 kg, ये है 5 kg का ब्लॉक है एक्टेड बाई सेम फोर्स, इसमें सेम फोर्स लगा देंगे दोनों में, सेम फोर्स रखा हुआ है जमीन पे, इव द एक्सेलरेशन ऑफ लाइटर बॉडी, तो लाइटर बॉडी कौन है 4 kg, एक्सेलरेशन इसका दिया क्या, कितना दे दिया एक्सेलरेशन 2 m/s², तो पूछा है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा a = y, तो क्या करेंगे पहले तो हम लोग फोर्स निकालेंगे, फोर्स पता चल जाएगा तो दोनों का फोर्स सेम है, तो फोर्स निकालो एफिकोस्ट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स कितना पता चला, मास कितना है 4 kg, इसके ही देखना है इससे की क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं कि 5 फुट कर दिए गलत हो जाएगा, 5 है ठीक है, 4 × 2 कितना हुआ 8, मतलब कि हम लोग फोर्स का वैल्यू निकाल लिए, फोर्स का वैल्यू कितना आया 8 N, बस ये वाला 8 N को यहाँ पुट कर देना है तो कितना हुआ फोर्स इक्वल्स टू 8 N, बस निकाल देंगे एक्सेलरेशन इक्वल्स होता है फोर्स अपॉन मास, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स कितना है 8/5, काट दिए कितना हो गया 1.6 आ गया m/s² हो गया। चलिए आज तक इतना ही, तो इसका आंसर कितना 1.6 सी हो गया, 10 का C, इसे पूछा है अगला सवाल जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है मिटा देते हैं इसको, द मास ऑफ बॉडी विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी टू द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोड्यूस इन द बॉडी, मतलब कि सीधा बोलना चाहता है कि m = फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, द फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, तो क्या है ये हम लोग का है इनर्शियल मास दिया हुआ है, इनर्शियल मास इसको बोलते हैं 11th सवाल का। चलिए हो गया इतना ही।